हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। मैं हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के बारे में कि यहां पे आपको क्या करना चाहिए, कल का टारगेट क्या होने वाला है। सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या ये प्राइस इन्वेस्ट करने के लिए अभी सही है या नहीं, सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर आप इसके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो वीडियो देखना आपके लिए कंपनी ज़रूरी है। दोस्तों अगर शॉर्ट टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूंगा क्लियरली। देखो, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो अभी इस प्राइस पे इन्वेस्ट आप मत करो, क्योंकि दोस्तों फिलहाल मार्केट में स्टॉक 52 रुपीज़ के आसपास था मार्केट में। तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बहुत जल्द 65-75 तक टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन जो बोला हुआ वो हुआ। लगभग 60 रुपये के आसपास, 61 रुपये के आसपास स्टॉक आ चुका है। बहुत जल्द दोस्तों आपको 65 तक टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि मेन क्वेश्चन तो ये है कि कब तक हाई बनेगा इसका। देखो, हाई इसका फिलहाल ऑलरेडी बन चुका है। इसका हाई लगभग 5 रुपये के आसपास शेयर जंप मार चुका है। यहाँ पे आपको क्लियर पता होगा, लगभग एक मंथ में दोस्तों शेयर ने 7 रुपये के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन पिछले 5 डे में 6 रुपये के आसपास का जंप, लगभग 10% के आसपास इसमें हमको तेजी देखने को मिली है। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द आपको दोस्तों 75 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। कल हो सकता है 62 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है। कल हमको ये उम्मीद है कि मार्केट अच्छा सा परफॉर्मेंस कल करने वाला है।